इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को एक साल होने को है। इस युद्ध के दौरान कई बार हिजबुल्ला सुर्खियों में छाया रहा। पिछले तीन दिनों से एक बार फिर हिजबुल्ला पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाया हुआ है। इसकी वजह है हिजबुल्ला लड़ाकों समेत लेबनान में हजारों लोगों के पेजर ब्लास्ट और उसके बाद वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होना। हिजबुल्ला और उसके समर्थक इस हमले का आरोप इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगा रहे हैं। इस बीच हिजबुल्ला की ओर से इसराइल से बदला लेने की धमकी दी गई है। हालांकि इन चर्चाओं के बीच लोग ये जानना चाहते हैं कि हिजबुल्ला क्या है, हिजबुल्ला का मकसद क्या है, इसराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों हैं। बता दें कि हिजबुल्ला लेबनान का एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल होने के साथ साथ अर्धसैनिक संगठन है। लेबनान में ये राजनीतिक दल के तौर पर काम करने के साथ साथ मजबूत सैन्य क्षमता रखने वाला संगठन है। दरअसल साल 1975 में लेबनान में गृह युद्ध शुरू हो गया था। ये गृह युद्ध करीब 15 वर्षों तक चला और साल 1990 में खत्म हुआ। बता दें कि लेबनान धार्मिक समूहों में बटा हुआ था, इसमें शिया, सुन्नी और ईसाई थे। हालांकि साल 1982 में इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों पर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद ईरान ने लेबनान में शिया मुस्लिम संगठन हिजबुल्ला को खड़ा किया। हिजबुल्ला को खड़ा करने का मकसद था इजराइल को निशाना बनाना। हिजबुल्ला ने संगठन में लेबनान के शिया मुसलमानों को भर्ती किया। ईरान ने हिजबुल्ला को इजराइल के खिलाफ कई तरह की मदद की। इसके बाद लगातार हिजबुल्ला की ताकत और उसका प्रभाव बढ़ता चला गया। दरअसल साल 1992 से ही लेबनान की सरकार में हिजबुल्ला का प्रभाव रहा है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मौजूदा वक्त में लेबनान की 128 सदस्यों वाली संसद में हिजबुल्ला के 13 सांसद हैं। हिजबुल्ला का ईरान के साथ साथ सीरिया से भी काफी अच्छा संबंध माना जाता है। हालांकि अमेरिका, यूरोपीय देशों ने हिजबुल्ला को एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। कई मुस्लिम देश भी हिजबुल्ला को आतंकी संगठन ही मानते हैं। वहीं इजराइल और हिजबुल्ला के बीच होने वाले संघर्ष भी दुनिया भर में खूब सुर्खियां बटोरते हैं। कई दशकों से दोनों के बीच टकराव जारी है। साल 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजराइल के हटने के बाद भी दोनों के बीच टेंशन कभी कम नहीं हुई। ईरान के इशारे पर भी हिजबुल्ला इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश करता है। हालांकि अब पेजर और वॉकी टॉकी अटैक के बाद से हिजबुल्ला इजराइल को धमका रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजर अटैक के बाद से ही लेबनान में दहशत का माहौल है। वहीं इस अजीबोगरीब हमले में हिजबुल्ला के कई लड़ाकों की मौत हो गई है तो बड़ी संख्या में हिजबुल्ला के लड़ाके घायल हैं।